पाकिस्तान और उस पर आपका आया। जा रही थी। गौतम के अगेंस्ट में जो मुझे लगा सही नहीं थी क्योंकि मैं जानता हूँ गौतम को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मैं जानता हूँ दूसरे प्लेयर को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ ग्राउंड में बाहर जाके आप उस चीज को कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं कुछ अलग मकसद से आई थिंक वो सही नहीं है 2024 में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है क्या इस टीम में रोहित शर्मा विराट कोहली उनकी जगह बनती है क्या आप जब भी जाएंगे मुश्किल पिचेस पे मुश्किल कंडीशन में जो वेस्ट इंडीज में होने वाली है तो एक्सपीरियंस और यूथ को साथ में लेके जाइए आप अगर ये सोचेंगे सिर्फ यूथ से काम चल जाएगा तो फिर वो आप अपने लिए काम मुश्किल कर रहे हैं बहुत बार हमने देखा है कि यंगस्टर्स है बहुत अच्छे यंगस्टर्स है लेकिन वहाँ पे वो क्रैक हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होना बहुत जरूरी है अर्ज किया है प्यार है इनको आपस में इतना कि देते हैं एक दूसरे पर जान प्यार है इनको आपस में इतना कि देते हैं एक दूसरे पर जान जोरदार तालियां हो जाए फॉर इरफान पठान एंड यूसुफ पठान <laughs> तो इरफान भाई यूसुफ भाई इस स्टेज पर काफी भारी भरकम लोग बैठे हैं भारी मैं हूं भरकम आप हो तो यहां पर इरफान पठान है टू थाउजेंड सेवन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप विनिंग टीम के मेंबर मैन ऑफ दो वर्ल्ड कप मेडल है नहीं नहीं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि दो वर्ल्ड कप जीता हूँ तो मुझे ज्यादा प्यार मिलता है मैं बड़ा भाई भी हूँ घर में बड़ा भी हूँ तो उस लिहाज से शायद मुझे ज्यादा प्यार मिलता है और मेरे से ज्यादा ये छोटा है तो छोटे जो होते हैं उनको बड़े से ज्यादा मिलता है तो कमी कमी बिल्कुल भी नहीं है कहीं पे भी इरफान भाई मैं दो भाइयों में छोटा हूँ और मुझे पता नहीं इनकी बातें सच नहीं लग रही और बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि जो प्यार मिलता है वो हमेशा बड़े को ज्यादा ही मिलता है बिल्कुल वो कहते हैं ना मैंने वो आ, कुछ कोट मैंने सुने थे कि पहला जो बेटा होता है ना वो माँ का आखिरी प्यार होता है और सच्चा प्यार होता है तो वो जो प्यार है ना वो अभी तक है वो और हमारे ये भाई साहब बड़े घर के बड़े हैं तो इनको जितना प्यार मिलता है तो ना तो मुझे मेरी बहन को इतना कभी प्यार मिला है ना तो मुझे कभी इतना प्यार मिला है और वो ठीक भी है यार क्योंकि आई थिंक मेरे वालिद के बाद घर संभालने वाली अगर काबिलियत है किसी के पास जो मेरे वालिद संभालते आज भी ही सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स यंग बट जो भाई संभालता है हमें यार बहुत सारी चीज़ें सोचनी भी नहीं पड़ती है वो सारी चीजें ऐसे ही हो जाती है बिल्कुल <laughs> भाई जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर लोग तो इरफान भाई बचपन में जैसे लड़ाइयाँ भी होती होंगी आप दोनों के बीच इतना प्यार तो दिखाई दे रहा है और इस प्यार के ऊपर काफी सारी बातें हम आगे भी करेंगे लड़ाई होती थी तो कौन जीतता था यार आप ही लोग बता दो यार क्या लगता है हम दोनों में से अगर लड़ाई होगी तो भाइयों में से तो कौन जीतेगा झूठ है बिल्कुल सच है इरफान भाई जीते <laughs> क्योंकि छोटे भाई हमेशा जीत जाते हैं बट यूसुफ भाई मतलब काफी पिटाई करते थे आप नहीं 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 यार पिटाई पिटाई की तो वैसे नहीं लेकिन हाँ हम लोग मस्ती मजाक करते थे पिटाई-वटाई तो नहीं झगड़ा-वगड़ा होता रहता था, था थो थोड़ा शब्दों से और कुछ बोलना था बोल बोल बोल, बोल. <laughs> नहीं सो बेसिकली बचपन में वो लड़ाई नहीं कहेंगे मस्ती कहेंगे जो हम मस्ती करते थे तो जब जब भाई ने मुझसे नाराज़गी बताई जताई है या मुझसे नाराज़ हुआ है गुस्सा किया है तो मुझे कभी फ़िज़िकली नुकसान नहीं हुआ है लेकिन जब मैंने नाराज़गी जताई है फिज़िकली जब थोड़ा सा है ना हाथ पैर चलाए तो मुझे याद है एक बार भाई का एल्बो टूट गया मैंने ऐसा लात मारा तो भाई का एल्बो टूट गया हाथ ऐसा था आ, मुझे याद है कि एक बार मैंने भाई को पुश किया

अच्छा मैंने तो उंगली की तो बात ही नहीं की इनकी उंगली दिखाई है ये जरा जूम करिए ये जो बीच वाली जो उंगली है ना जी ओ भाई साहब डराने गया भाई साहब वॉशरूम में थे आ, अपनी तकलीफों को दूर कर रहे थे <laughs> मैंने सोचा मैं उनकी तकलीफ को बढ़ा देता हूँ <laughs> तो हाथ उनका दरवाजे के साथ था और बेसिकली तब हम मस्जिद के घर में रहते थे तो मस्जिद के घर में जब आप रहते हो तो मस्जिद जो घर है आपका उसके अंदर आपका वॉशरूम नहीं है आपको बाहर जाना है और अगर रात का वक्त है नौ साढ़े नौ दस बजे जब मस्जिद में कोई नहीं है और बड़ी मस्जिद है पूरा अंधेरा छाया हुआ है तो आपको डर ज़्यादा लगता है अगर आप बच्चे हैं तो तो हम क्या करते थे और भाई को भी पता था हमें भी पता था कि हम दोनों को थोड़ा डर लगता है तो एक दूसरे का सहारा बनने की रात को कोशिश करते थे बाहर से हम गाना गा रहे हैं भाई से बात कर रहे हैं तो भाई बाहर ऐसा हल्का सा दरवाज़ा खोल के बैठा हुआ था क्योंकि बाहर से ताला लग जाता तो अंदर कोई आ नहीं सकता तो थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने दरवाज़ा बंद किया और भाई साहब जो बंद किया ना भाई साहब की ये जो उंगली है ये वाली भाई साहब खून का फुहारा उड़ा था पूरी तरह से और वो जो उंगली कटी थी वो बाकायदा ऑपरेशन करना पड़ा और क्योंकि दरवाजे के बीच में ही तो कट गई और उसके बाद जो डेढ़ दिन मेरी हालत थी आ, मुझे याद है कि मैंने दो मील खाए नहीं थे खाना खाया नहीं था क्योंकि मैं छुप गया था दूसरी जगह पे मस्जिद में ही दूसरे कोने में जाके छुपा हुआ था आ, वैसी शैतानी की तो जब जब मैंने कोई हरकत की है तो मेरे भाई को बेचारे को तकलीफ हुई है और मैं नसीबदार हूँ कि मेरे भाई ने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी और इस बीच में आ, हम दोनों कभी भी झगड़ा करते थे या शैतानी करते थे जिस तरह से इरफान ने कहा कि बहुत जिसमानी तकलीफ़ मुझे दी है आ, हमारे माँ बाप ने कभी भी दोनों के बीच में एक बड़े छोटे का फ़र्क आने नहीं दिया ठीक है चोट लगी तो उस उस वक्त वो छोड़ देते थे, 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 थे दोनों को कि तुमको जो करना है कर लो उसके बाद बैठाते थे और कहते थे कि देखो ये चीज़ अच्छी बात नहीं है तुम दोनों भाई हो एक दूसरे के सहारा बनना है तुमको झगड़ा नहीं करते इस तरह से हमको समझाते थे और कभी भी हम दोनों को या ऐसा नहीं कहा कि देखो बड़ा है तो उसको इस तरह से ट्रीट करना है वो छोटा है तो इस तरह से ट्रीट करना है कभी भी वो चीज़ आने नहीं दिया तो ऐसा भी नहीं कहा कि एक को अलग तरीके से ट्रीट किया अगर मुझे नुकसान हुआ है तो इसको ज़्यादा उसको डाटा या पिटाई की ऐसा ऐसा कभी हुआ नहीं है इसकी वजह से जो है ना हम दोनों के अंदर जो बॉन्ड है ना वो हमारे माँ बाप ने जिस तरह से हमारी तरबियत की तो ये श्रेय उनको बहुत ज़्यादा है कि कभी भी उन्होंने हम दोनों झगड़ा किया तुम दोनों सॉल्व करो हम लोग इसके बीच में नहीं आएंगे एक एक छोटा सा जो बॉन्ड है उसके बारे में मैं बता दूं आपको जी अभी भाई आए हुए थे यहाँ पे अगर आप टेबल पे बैठे हुए तो आपको शायद पता होगा वहाँ पे भाई ने एक घड़ी रखी हुई है जी वो जी। हाँ वो उसके पास है फयाज़ के पास है अब मैं भाई आए बड़ौदा से मैं मुंबई में था तो मुझे पता था कि भाई जो है ना वो एक शादी सी घड़ी पहन के आएगा

वहाँ से आप आए जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेला थोड़ी गरीबी भी देखी और उसके बाद इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ आप दोनों की ये जो जो आप बने इंडिया के जो क्रिकेटर्स बने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स बने रियल हीरो आप दोनों के पीछे कौन रहा कौन थी वो शख्सियत जो आप दोनों की सक्सेस के पीछे थोड़ी सी छुप गई है दिखाई नहीं देती पर आप दोनों मानते हो कि रियल हीरो वो हैं आप uh, देखिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपके अलग अलग फेजेज़ होते हैं आपने शुरू क्रिकेट कब किया और किसने करवाया आपसे क्रिकेट अब वहाँ पे आ जाते हमारे वालदेन हम जाते थे गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे तो उन्हें लगता था यार ये बच्चे ना मस्जिद छोड़ के गली मोहल्ले जाते शायद बिगड़ जाएंगे इन्हें अकेडमी में डाल दो अब वहाँ पे मेरे अंकल थे अहमद मिया अंकल उनका नाम तो उन्होंने वहाँ पर रबता करवाया हमारे जो कोच थे मेहंदी शेख बशीर शेख मंगला बाबर मैडम जो इंडिया खेले हुए हैं रशीद पटेल थे वहाँ पर हमारे सीनियर उन लोगों ने बड़ी मदद की थोड़ा ऊपर आए टी ए शेखर जिनका नाम काफ़ी ज़्यादा है दिल्ली कैपिटल्स जो पहले दर डेविल हुआ करती थी उनके कोच रह चुके हैं और वह हमारे पेस फाउंडेशन के कोच थे तो उन्होंने बड़ी मदद की रशीद पटेल ने एक्चुअली जब सबसे पहले मेरी एक्शन में कोई बदलाव किया था जिससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ वो एक इंडिया प्लेयर है वो हमारे क्लब के सीनियर थे उन्होंने बड़ी मदद की डी के गायकवाड़ दत्ताजी राय गायकवाड़ अंसुमन गायकवाड़ साहब के फादर एक्स इंडिया कैप्टन तो उन्होंने अंडर 14 में हमें आइडेंटिफाई किया कि नहीं ये बड़ौदा के लिए खेल सकते दोनों भाई तो उनका हेल्प वहाँ पे बहुत लगा तो जो अलग अलग फेजेस होते हैं वहाँ पे आपको हर एक लेवल के कोचेस की और मैंटोर की आपको ज़रूरत पड़ती है और ये छुपे हुए नाम रहते वो आपके सामने आते नहीं लेकिन हम लोग को आज तक कभी नाम नहीं बोले और सबसे ज़्यादा हमें अगर दुख होता है इस किसी बात का तो वो है हमारे मरहूम जो कोच थे बशीर शेख जिनका इंतकाल हो गया uh, मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम में इंडिया की टीम में सेलेक्ट हुआ था और तब उनका इंतकाल हुआ था और मुझे बस सिर्फ मायूसी यही है कि अगर वो मुझे इंडिया खेलते हुए देखते तो वो सबसे ज़्यादा खुश होते तो अलग अलग फेस पे अलग अलग लोगों ने बड़ी मदद की और आज तक हम उनके सबके शुक्रगुजार उनसे सबसे आज तक कमाल का रिश्ता है यूसुफ़ भाई आपके वालिद का कितना सपोर्ट रहा फादर ने कितना सपोर्ट किया आपके क्रिकेट में आप बड़े थे जब क्रिकेट खेलते थे कोई घर में कोई इस तरीके से कोई क्रिकेटर नहीं था तो वहाँ से सपोर्ट कैसा मिला आपको नहीं देखिए हमारे घर से हमारे वालिद और वालदा ने बहुत सपोर्ट किया हमें क्योंकि हर जो फ़ैमिलीज़ होती है उसके पीछे भी बहुत सारी फैमिलीज़ होती है जुड़ी हुई आ, फादर साहब मोजिन थे और सारा भाई एम केमिकल करके एक कंपनी थी वहाँ पे भी काम करते थे तो दोनों जगह काम करते थे ऑटो भी चलाते थे जब उनको वक्त मिलता था तो, तो रिक्शा भी उन्होंने चलाई बहुत बहुत मेहनत की और हमने उनको देखा तो रिश्तेदार हमेशा कहते थे कि भाई आ, इनको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दिलाओ आप मौजिन हो क्या है? इनके पास भी वही काम कराओगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो कुछ काम करेंगे कुछ अच्छा अच्छी जगह जॉब मिलेगा आ, लेकिन वालिद और वालदा ने कभी भी हमें उस चीज़ का एहसास होने नहीं दिया कि सराउंडिंग क्या माहौल है और किस तरह से लोग बोलते बोलते थे कि भाई क्या क्रिकेट बन क्रिकेटर बन के क्या बनेंगे क्या करेंगे तो उनका बहुत सपोर्ट रहा और उनके सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पर है बिल्कुल तो भाई और जिस तरीके की दोनों भाइयों ने क्रिकेट खेली है टीम इंडिया को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों के लिए और, और एक एक बात भी कहूँगा मैं कि भाई ने जिस तरह से सारे कोचिज़ के नाम लिए तो मेरी मेरे करियर में जब बहुत बड़ा चेंज आया जब बलविंदर सिंह संधू बड़ोड़ा के कोच बन के आए भाई तब इंडिया खेलता था और मैं जब रणजी ट्रॉफ़ी खेला तो एक मैच खेला उसके बाद एक मैच के बाद ड्रॉप हो गया इस तरह तीन साल चलता रहा मेरे साथ जिस टाइम बलविंदर सिंह संधु बड़ोड़ा में आए उन्होंने पहले जूनियर क्रिकेट जब खेलता था तब देखा था लेकिन जब बड़ोडा में आए तो जो सराउंडिंग जो टीम था उसके अंदर आइडेंटिफाई किया कि ये लड़का खेल सकता है और इसके अंदर इंडिया खेल सकता है और इसमें वो काबिलियत है मैं इसे देखता हूँ तो संदीप पाटिल मुझे नज़र आता है ऐसा सराउंडिंग वहाँ पर वो कहते थे और उन्होंने सिलेक्शन कमेटी में कहा कि ये लड़का मुझे चाहिए ये लड़का आगे जाके इंडिया खेलेगा और वर्ल्ड कप खेलेगा वो टाइम पे 2004 का या वर्ल्ड कप था बोले ये वो वर्ल्ड कप खेलेगा वो वर्ल्ड कप नहीं खेला मैं लेकिन टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप खेला तब उनकी मजाक उड़ाते थे, थे कि यार बल्लू क्या बोल रहा है तू वो रंजी ट्रॉफी की टीम में नहीं बैठ रहा तो उसको इंडिया खेल लगाने की बात कर रहा है तो वो मेरे करियर में वो सबसे बड़ा चेंज था जी आप दोनों के जो प्यार है उसके भी काफ़ी चर्चे हैं इन दोनों के बीच में प्यार इतना है कि एक भाई अपनी बीवी के साथ बिरयानी खिलाते हुए फोटो डालता है तो दूसरा कहता है अकेले अकेले <laughs> तो ये जो आप लोगों की जिंदगी में मैं पूछना चाहता हूं कि रोमांस ज्यादा है या ब्रोमैंस ज्यादा है <laughs> क्या लगता है भाई <laughs> क्योंकि दो, दोनो, दोनों की शख्सियत ना थोड़ी सी अलग है भाई का रोमांस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है मैं थोड़ा सा ज़्यादा हाँ थोड़ा सा थोड़ा सा ज़्यादा तो भाई का एक अपना तरीका है लेकिन आई थिंक हम अपने जो रोल है जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में रोल अदा करता है अच्छे बेटे का अच्छे भाई का अच्छे शोहर का अच्छे बाप का अच्छे दोस्त का ये रोल अदा करने की पूरी कोशिश करते हैं हमें लगता है कि सब बराबर सब बराबर जिस वक्त जिसके साथ है उसको हंड्रेड परसेंट देना है जबरदस्त <laughs> तो चलिए मतलब दोनों भाई यहां पर हैं तो इन दोनों के साथ एक गेम खेल लेते हैं इसका नाम है तू जानता नहीं मेरा भाई कौन है तो यहां पर हम आप आप दूसरे से से दोनों एक दूसरे के रिकॉर्ड्स के बारे में पूछेंगे एक दूसरे की चीजों के बारे में पूछेंगे और मैं जानना चाह मतलब पता करते हैं कि दूसरे भाई को कितनी चीजें पता है अपने भाई के बारे में इरफान पठान का फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट कौन था यूसुफ भाई मैथ्यूडन भाई जवाब <laughs> यूसुफ पठान का फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट कौन था इरफान भाई मेरे को यह मालूम है कि पहला छक्का किसको मारा था मोहम्मद आसिफ को मारा था वो पूछना <laughs> चाहिए <laughs> नहीं, नहीं 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 ये पहले पहले इस सवाल का जवाब दीजिए पहली इंटरनेशनल विकेट फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट ओ यार वाकई में याद नहीं है <laughs> यूसुफ भाई आपको तो याद होगी आप भी याद कर रहे हो बांग्लादेश में था यार सच में याद नहीं है बांग्लादेश में मुझे याद है कि बोलिंग डालना स्टार्ट किया था वर्ल्ड कप में बोलिंग डाला था एक और में पांच रन दिए थे फाइनल में उसके बाद सीधा फिर वो वनडे मैचेस थे बता दो यार मोहम्मद अशरफुल कॉट एंड बोल्ड मीरपुर में वो मैच था तो यहाँ पर वो आपका तो अभी वो वन जीरो से आगे चल रहे हैं इरफान पठान की पहली टेस्ट सेंचुरी कितने रन और अपोजिशन कौन था यूसुफ भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका 100 था और रन कितने बनाए समथिंग पता है इरफान भाई आपको याद है 102, 102. 102. तालियां हो जबरदस्त सेंचुरी और पाकिस्तान के एक बात बताइए ये पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ ही हैट्रिक ये ज्यादा आपको मजा आता है पाकिस्तान के जख्मों पे नमक छिड़कने में <laughs> ये देखिए पड़ोसी के सामने ना परफॉर्मेंस करने में अलग ही सुकून है आ, जब खेलता था तभी भी और अब रिटायर हो गया हो तभी भी मज़ा आता है <laughs> मज़ा आता है अलग मजा आता है <laughs> लेकिन आप ये मैं हैट्रिक की बात कभी नहीं करता हूँ और सबसे ज़्यादा जो मेरे दिल के करीब परफॉर्मेंस है आ, पाकिस्तान के खिलाफ वो फाइनल रहा है वर्ल्ड कप फाइनल बिकॉज हम लोग उसमें वर्ल्ड चैम्पियन बने थे उनको हरा के तो आई थिंक वो मेरे दिल के सबसे ज्यादा करीब है जी तो चलिए यूसुफ पठान की पहली ओ सेंचुरी के बारे में भी बता दीजिए इरफान भाई इनकी पहली ओ सेंचुरी किसके अगेंस्ट आई थी कितने रन बनाए अच्छा उसमें बहुत अच्छे से मुझे याद है 80 पे पाँच थे न्यूजीलैंड के सामने बेंगलुरु का मैदान था मैं अपनी इंजरीज से जूझ रहा था मैं रिहैब कर रहा था मेरे पाँच फ्रैक्चर हुए थे बैक में और मैं बेंगलुरु में ही था और वो मैच मैंने पहले कुछ भाई जब तक चालीस पे खेल रहा था तब तक मैंने होटल से देखा और उसके बाद मैंने अनिल भाई को फ़ोन किया मैं कि अनिल भाई मुझे मैच देखने आना है पर मुझे साइड स्क्रीन के पीछे से मैच देखना है मतलब मुझे एकदम आसान सुकून से सिर्फ भाई की बैटिंग देखनी है और मुझे कुछ ऐसा नहीं कि मुझे कई ऐसी जगह पे बैठना है जहाँ पे यू नो आजकल काफ़ी ज़्यादा वो कैमरे का चलता है अच्छा मुझे बस चुपचाप मैच देखा मैंने पूरा मैच देखा भाई ने अस्सी पे से भारतीय टीम को मैच जिताया अकेले हाथों से सौ बनाया था जहाँ पे अस्सी पे पाँच गिर रहे और आप सवा तीन सौ साढ़े तीन सौ रन चेस कर रहे हैं जी और भाई लंबे लंबे लंब इतने छक्के मारे कि भाई स्टेडियम के बाहर ना वो कबन पार्क है वहाँ पे गेंदे जा रही थी और वहाँ से लोग लेके आ रहे थे और बॉल बदल रही थी और वापस छक्के लगाए जा रहे थे और वो उनका पहला शतक आया था और मैच जिताने वाला शतक आया बिल्कुल था। और एक रन बनाए थे और ये जो सेंचुरी थी जबरदस्त सेंचुरी थी यूसुफ भाई तो आप आपको भी वैसे पाकिस्तान से अलग प्यार है पाकिस्तान के खिलाफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में आपको सबसे पहली बार मौका मिला आपने मोहम्मद आसिफ जो सबसे बड़ा थ्रेट थे छक्का दे टांग दिया उनके ऊपर बिल्कुल उसी चीज के लिए मैं टीम में सिलेक्ट भी हुआ था कि जो एग्रेसिव गेम है मेरा और मैं वर्ल्ड कप खेला तो जब मैं बैठा था जब पता चला कि खेल रहा हूँ तो इरफान मेरे पास आया कि देख भाई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि तू कुछ नहीं कर सकता तूने बहुत कुछ किया है इसकी वजह से तू यहाँ पर है तो जाके पहला बॉल अगर मिले ना तो पहला बॉल छक्का मारना डरना मत आउट होगा तो कोई बात नहीं लेकिन पहला बॉल मिला तो छक्का मारना और बिल्कुल जो मेरे पाले में मिली बॉल और मैंने वो गेंद को छक्का भी मारा और मेरा डेब्यू भी पाकिस्तान के खिलाफ हुआ वनडे वनडे डेब्यू भी उनके खिलाफ है टी ट्वेंटी भी उनके खिलाफ है तो और सबसे अच्छी बात है कि इरफान ने जैसा कहा कि हम लोग चैम्पियन हुए जब मेरा डेब्यू भी हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे और मैच जीते चैम्पियन हुए और उससे बड़ी खुशी आपको और कोई चीज़ नहीं दे सकती बिल्कुल बिल्कुल और इंडिया ने टी, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीता था दोनों भाइयों ने ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए अब मेरे पास कुछ क्रिकेट के सवाल भी हैं जो मुझे कुछ लोगों ने भेजे हैं अफ़ग़ानिस्तान के मैच जीतने के बाद इरफान भाई जो आप डांस कर रहे थे ये अफ़गानिस्तान टीम से प्यार है या पाकिस्तान को जलाने में मज़ा आता है आप देखिए अफ़ग़ानिस्तान का ऐसा है कि वो जो मैंने डांस किया था आ, उसके बाद जो कहानी हुई तो वो तो अलग से कहानियाँ चलती रही वो चलने दो लेकिन ये एक दोस्त का वादा अपने दूसरे दोस्त से था जिसका हमारे मुल्क में उसे हम बड़ा प्यार करते हैं राशिद खान राशिद खान गुजरात टाइटन्स के लिए खेलते है, पहले हैदराबाद के लिए खेलते थे और हमने भी एज ए इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है यहाँ तक कि राशिद ने मुझे लगभग एक साल पहले पूछा था कि भाई आपके पास अच्छा कोई बैटिंग के लिए कोच हो तो बताना तो अभी जो उनकी बैटिंग में इम्प्रूवमेंट आपको नजर आ रही है वो हमारे बड़ौदा के ही कोच है मिलाप मेवाड़ा जो एक्स इंडिया अंडर 19 प्लेयर है जिन्होंने ब्रेटली वगैरह टीम के सामने अंडर 19 इंडिया के लिए शतक जड़ा था oh, wow. पर अनफॉर्चुनेटली वो ज्यादा खेल नहीं पाए रंजी ट्रॉफी क्योंकि नयन मोगिया खेलते थे रेगुलर तो ये बाहर बैठते थे आप आ, उनका वक्त आने लेकिन वो बहुत बढ़िया कोच है तो वो जब जुड़े लास्ट के छः महीने से उनकी बैटिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है तो कनेक्शन है और साथ ही में राशिद से जब मैं मुझे याद है पाकिस्तान के सामने मुकाबला था मैं चेन्नई पहुंचा हुआ था तो मैंने अफगानिस्तान जब जीती थी पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ तब डांस किया था जी और वो डांस के बारे में सीधा मतलब मैं वो चल के ही आ रहे राशिद खान पिच मैं पिच का मुआयना करने जा रहा था तो राशिद खान ने कहा कि खान साहब आपका वीडियो हमारे यहाँ पे डांस करता हुआ बड़ा वायरल हुआ अफगानिस्तान में बहुत पसंद किया गया तो मेरा ये जवाब था कि भाई इतना पसंद आए तो आज अगर जीतोगे ना तो आज मैदान में डांस करूँगा तो उसने कहा कि वादा हमारा आज हम जीतेंगे आप भी डांस करेंगे और मैं भी डांस करूँगा और फिर बाद में जब मैच खत्म हुआ अफगानिस्तान जीती और मैं तो बाकायदा कॉमेंट्री कर रहा था पीछे से राशिद खान आए वो मेरे पास भागते हुआ है और जैसे ही वो भागते आए मुझे लगा कि भाई ये तो उन्हें याद है अब डांस तो करना पड़ेगा तो मैंने माइक को रखा और फिर हमने डांस स्टार्ट किया और उसके बाद जो मिर्ची थोड़ी तीखी लगी है लगने तो कोई बात नहीं कई बार उससे ना तड़का आ जाता है मैं वही मैं वही कह रहा हूं क्योंकि उस डांस के बाद जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने हराया तब आपका जो डांस था वो और ज्यादा वायरल हुआ पड़ोसी मुल्क में चलिए आप दोनों से एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा आप दोनों टी वर्ल्ड कप 2007 की टीम का हिस्सा थे उसके बाद से टीम इंडिया ने कोई भी टी वर्ल्ड कप नहीं जीता है अब दो में टी वर्ल्ड कप है और फिर से बड़ी सारी बातें हो रही हैं कि किस तरीके की टीम का सिलेक्शन होना चाहिए क्या इस टीम में बहुत ज्यादा यूथ और यंग प्लेयर्स को डालने की जरूरत है क्या इस टीम में जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा विराट कोहली उनकी जगह बनती है क्या आप दोनों का इस पर क्या टेक है इरफान भाई आप देखिए ये जो नोशन चलता है ना कि हम जब 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे तो हम यंग टीम थी आई थिंक ये ये गलत नोशन बनाया गया है अब हरभजन सिंह थे उस टीम का हिस्सा वो कब से क्रिकेट खेल रहे दो हज़ार से जी हम 2007 में पहुंचे हुए थे सात साल का एक्सपीरियंस या उससे पहले उनका डेब्यू हुआ था युवराज सिंह 2002 में डेब्यू हुआ था उनके पास भी छः साल का एक्सपीरियंस आप अजीत अगरकर उस टीम में शामिल थे वीरेंद्र शा, सहवाग उस टीम में शामिल थे गौतम गंभीर उस टीम में शामिल थे इक्का दुक्का ही यंगस्टर थे बाकी और मैं जो कम कर रहा था मेरा डेब्यू 2003 में हुआ था मैं 2007 में वर्ल्ड कप खेल रहा था वो तो चार साल का एक्सपीरियंस मुझे भी था मेरी लगभग सौ विकेट से ज़्यादा वनडे में हो चुकी थी उससे ज़्यादा फिर वो टेस्ट क्रिकेट के पास सौ विकेट के पास मैं पहुँचा हुआ था तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा था हाँ हम एज एन एवरेज जो एज थी वो हमारी काफ़ी अच्छी थी हम लगभग पच्चीस तीस के बीच में थे हमारी फिटनेस बहुत अच्छी थी और कई जो खिलाड़ी आए थे एक अलग से जुनून लेके आए थे चाहे वो युवराज सिंह की बात करें चाहे यूसुफ पठान जैसे विभाग प्लेयर आए थे नई नई टीम में आप तो ग्रेट मिक्स ऑफ यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस का था तो अभी भी जो मैं आगे ये बात करता हूँ एज एन एक्सपर्ट में मेरा ये हमेशा मानना है कि इंडियन टीम को हमेशा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि आप जब भी जाएंगे मुश्किल पिचेस पे मुश्किल कंडीशंस में जो वेस्टइंडीज में होने वाली है तो एक्सपीरियंस और यूथ को साथ में लेके जाइए आप अगर ये सोचेंगे सिर्फ यूथ से काम चल जाएगा तो फिर वो आप अपने लिए काम मुश्किल कर रहे हैं बिल्कुल और जब प्रेशर आता है ना तो वो एक्सपीरियंस है उसको मजबूती से पकड़ के रखता है और बहुत बहुत बार हमने देखा है कि यंगस्टर्स है बहुत अच्छे यंगस्टर्स है लेकिन वहाँ पे वो क्रैक हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो होना बहुत जरूरी है बिल्कुल बिल्कुल तो बस मेरा आखिरी सवाल है इस्माइल इज द बेस्ट आंसर ब्रदर ये बात किस महान खिलाड़ी ने अभी अभी ट्विटर पर लिखी है आपने की थी <laughs> <laughs> अच्छा तो जिन ऑडियंस को नहीं पता ये यहाँ पर एक झगड़ा चल रहा है गौतम गंभीर हाँ। और शीशन साहब का और उस पर आपका कमेंट आया क्या चल क्या रहा है इंडियन क्रिकेट में आपस में लोग इतना मतलब जो खिलाड़ी जिन्होंने देश को रिप्रेजेंट किया अब ऐसा क्यों लगता है इस तरीके की हेडलाइंस बनते हुए अच्छा नहीं लग रहा और तो देखिए उसमें तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि आप अगर मैच खेल रहे हैं एक तो आप रिटायर प्लेयर का लीग खेल रहे हैं और उसमें आप एज ए क्रिकेटर दूसरे को आप एग्रेशन दिखा रहे हैं और थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो रहा है थोड़ा सा वो पैशन नज़र आ जाता है वो वहाँ तक मुझे लगता है कि सब तक सही है कि ठीक है आपने ग्राउंड तक कर दिया पर ग्राउंड में बाहर जाके आप उस चीज़ को कुछ अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं कुछ अलग मकसद से आई थिंक वो सही नहीं है वो सही और यहाँ पे हम बात करें इंडियन क्रिकेट की इंडियन क्रिकेटर्स की तो आई थिंक जहाँ पे वो हो गया है छोड़ दो और आगे बढ़ो और कई बातें बनाई जा रही थी उसमें गौतम गंभीर के अगेंस्ट में जो मुझे लगा सही नहीं थी आई थिंक क्योंकि मैं जानता हूं गौतम को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं जानता हूं दूसरे प्लेयर को भी बहुत अच्छे से जानता हूं मैं और क्या चीजें रहती है कैसे रहता है सब पता है मुझे तो इसीलिए जो स्माइल इज द बेस्ट आंसर वो बहुत सही किया गौतम गंभीर ने तो भाई स्माइल इज द बेस्ट आंसर और थैंक यू सो मच आप दोनों का क्योंकि आप करोड़ों देशवासियों को स्माइल दिए आपने अपनी परफॉर्मेंस से थैंक यू सो मच इरफान भाई थैंक यू सो मच यूसुफ भाई हमारे साथ जी रियल हीरोज पर आने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया